गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ डॉट प्रोडक्ट दैट इज ए डॉट बी. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक आपका वेक्टर ए हो गया और दूसरा आपका है वेक्टर बी. तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है या जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड दैट वॉज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द सोलर एंगल थीटा बिटवीन देम. ऐसे क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द सोलर एंगल थीटा बिटवीन देम. ये हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था और मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए दो वैक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, क्या दो वैक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है कितना होता है? जीरो होता है. कितना होता है? जीरो होता है. मैंने कहा है आई डॉट जे कितना होता है? जीरो होता है. वही मैंने कहता है आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट आई कैप पोलर इक्वल टू जीरो. सारे कितने होते हैं? आपके जीरो के इक्वल होते हैं. अच्छा बताइए आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप ऑल आर इक्वल टू वन. है ना. आई डॉट आई कितना आएगा बनाएगा? जे डॉट जे भी कितना आएगा बनाएगा? के डॉट जे भी कितना आएगा बनाएगा? ये मैंने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था. आइए आज इसको कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. राइट, हमारा आज का जो लेक्चर रहेगा दैट वुड बी न्यूमेरिकल्स ओरिएंटेड. राइट, तो सपोज करो हमें दो वेक्टर्स गिवन है और हमें दोनों के बीच में एंगल निकालना है. क्या निकालना है? एंगल निकालना है. जैसे मान लीजिए दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए हो गया और एक का वेक्टर बी हो गया. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू में क्या कोस थीटा. तो कोस थीटा कितना आएगा? कोस थीटा आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इनटू में मॉडुलस ऑफ बी. ध्यान रखिएगा डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स. अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है और हमें उनके बीच में एंगल निकालने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं. आइए एक बनाकर लेके चलते हैं. तो जैसे हमें वेक्टर ए का वैल्यू कितना गिवन है? वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फोर के कैप. ये हमें वेक्टर ए गिवन है. और वेक्टर बी का वैल्यू कितना गिवन हो गया? वेक्टर बी का वैल्यू है आपका फोर आई कैप हो गया प्लस टू जी कैप हो गया माइनस फोर के कैप हो गया. तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है. हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी ने क्या निकाला? एंगल निकालना है. तो बस हमें सॉल्व करके यूज करेंगे. कोस थीटा कितना होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए. हम इसका इसके साथ क्या लेके चलेंगे? डॉट प्रोडक्ट. टू फोर जो कितना आएगा? एट आएगा. सात में कितना आएगा? सात में आएगा आई डॉट आई. आई डॉट आई कितना होता है? वन होता है. प्लस इसका इसके साथ डॉट लेके चलेंगे फिर टू टू जो कितना आएगा? फोर आएगा. सात में जाएगा आई डॉट जे. आई डॉट जे कितना होता है? जीरो. तो बेसिकली कितना आएगा आपका? जीरो आएगा. जब इसका इसके साथ डॉट लेके चलेंगे तो कितना आएगा? माइनस एट. साथ में कितना आएगा? आई डॉट के. आई डॉट के भी कितना होता है? जीरो. के भी कितना होगा? जीरो होगा. तो अब इसका इसके साथ क्या लेके चलेंगे? डॉट लेके चलेंगे. फोर फोर जा फोर फोर जा होता है सिक्सटीन. साथ में कितना आएगा? जे डॉट आई. जे डॉट आई कितना होता है? जीरो होता है. जीरो होता है ना ये तो आपका जीरो हो जाएगा ना बिकॉज फाइव जीरो. फोर फोर जा कितना हो गया? सिक्सटीन हो गया. और जे डॉट आई आएगा और जे डॉट आई कितना होता है? जीरो. तो ये कितना आएगा? जीरो आएगा. फिर इसका इसके साथ क्या लेके चलेंगे? डॉट लेके चलेंगे. फोर टू जर कितना होगा? एट हो गया. जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा? वन हो गया. फिर इसका इसके साथ लेके चलेंगे तो कितना आएगा? माइनस सिक्सटीन. साथ में कितना आएगा? जे कैप डॉट आई कैप कितना आएगा? जीरो. तो ये कितना आएगा? जीरो आ गया. फिर इसका इसके साथ क्या लेके चलेंगे? डॉट लेके चलेंगे. फोर फोर जा सिक्सटीन के कैप डॉट आई कैप जीरो. तो इसका भी हम इसके साथ क्या लेके चलेंगे? डॉट लेके चलेंगे. फोर टू जा एट के कैप डॉट जे कैप जीरो. इसका इसके साथ लेंगे तो कितना आएगा? माइनस सिक्सटीन आएगा. माइनस सिक्सटीन हो गया. के कैप डॉट के कैप कितना हो गया आपका? वन हो गया. है ना. ए का मॉडुलस कितना आएगा? ए का मॉडुलस कैसे निकाल कर बताइए. जैसे ये हमें वेक्टर ए गिवन है तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे? पहले रूट करेंगे. रूट हो गया. एक्स का कोफिशिएंट है टू है तो टू का स्क्वायर कितना आएगा? फोर आएगा. तो फोर हो गया.
y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, प्लस में क्या है, z का कोफिशिएंट अगेन क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, तो कितना होगा, 16 होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 6 आएगा। अब मुझे लगता है b भी क्या आएगा, 6 आएगा, हाँ b को सोल्व करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, 6 आएगा, ये भी कितना होगा, 6 होगा, ये भी कितना होगा, 6 हो गया। वैसे में निकालने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये 8 प्लस 8 16 माइनस 16 कितना होगा, 0। कोस थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका, 0 हो गया, तो थीटा का वैल्यू बेसिकली क्या होगा, 19 होगा। सो वी कैन से दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर नॉर्मल टू ईच अदर, है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 है, बोथ आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, है ना। अब जानते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बेसिकली वो वेक्टर्स होते हैं जिनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 होता है। चलिए एक और एंगल लेके चलते हैं, मान लीजिए हमें दो वेक्टर्स की वन है, ये मान लीजिए हमें वेक्टर की वन है, वेक्टर ए का वैल्यू हो गया 3i प्लस 4j, ये आपका वेक्टर ए की वन है, और वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो गया, वेक्टर बी का वैल्यू हो गया i प्लस में क्या हो गया, j, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जैसा आप जानते ही हैं ये आपका कितना है, वेक्टर ए है, तो इसको वेक्टर ए मान लीजिए, ये आपका वेक्टर ए हो गया और दूसरा क्या होगा, वेक्टर बी हो गया, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में कितना होगा, ये कंपोनेंट का कितना आएगा, ए कोस थीटा, क्या आएगा, ए कोस थीटा। तो ये निकालना है, ये आपका क्या है, ए का कंपोनेंट है कहाँ, बी के डायरेक्शन में, तो हमें निकालना है ए कोस थीटा, और साथ में क्या निकाला है, बी का, ये पूरा भी निकालना है, कंपोनेंट वेक्टर है इनका डायरेक्शन बी, और बी का डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर हो बी, ये बेसिकली हमें निकालना है बस। अब सिंपल हो जाएगा, क्या सिंपल होगा, हम सब जानते हैं जो ए डॉट बी होता है वो कितना होता है, उसको ऐसे लिखो, ए कोस थीटा इनटू बी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है, ए बी कोस थीटा, जिसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ए कोस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ए कोस थीटा का वैल्यू आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। बताइए ए डॉट बी कितना आएगा, 3 बच गया, 3 आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, वन आएगा, 4 बन जाए कितना होगा, 4 हो गया, जी कैप डॉट जी कैप कितना होगा, 1 हो गया, राइट, सही है ना वाले, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ना हम इसका इसके साथ क्या लेकर चलेंगे, डॉट लेकर चलेंगे तो कितना आएगा, 3, यहाँ कितना इसका 1 है तो 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 हो गया, और आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, 1 आएगा, फिर इसका इसके साथ क्या लेकर चलूँगा, डॉट तो कितना आएगा आपका, 4 बन जाए कितना होगा, 4 हो गया, और जे कैप टोट जे कैप कितना होगा आपका, 1 हो गया, राइट, ये कितना हो गया, 7 हो गया, राइट। और बी का मॉडल कितना है, बी का मॉडल निकाल लीजिए, हमें जो बी का मॉडल है वो निकालना है, तो बी का मॉडल कैसे निकालेंगे, रूट एक्स का कोफिशियंट क्या 1 है तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो गया, वाई का कोफिशियंट भी क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो गया, तो बी का मॉडल कितना होगा, रूट 2, तो यहाँ पर कितना हो गया, रूट 2 हो गया, राइट, यहाँ पर कितना हो गया, रूट 2 हो गया, सो दैट वुड बी योर रूट 2। अच्छा हमें क्या निकालना है, ये तो निकाला है ए कोस थीटा, क्या निकालना है, ए कोस थीटा, साथ में क्या निकालना पड़ेगा, बी कैप निकालना पड़ेगा, हाँ जी बताइए बी कैप कैसे निकालेंगे, बी कैप बोले तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी, ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर बी, वेक्टर बी अपॉन इट्स मॉडुलस, सही होता है, वेक्टर बी अपॉन इट्स मॉडुलस, है ना, वेक्टर बी का वैल्यू कितना है, आई कैप प्लस जी कैप, तो वेक्टर बी का वैल्यू है आई कैप प्लस जी कैप, नीचे मॉडुलस आएगा कितना आएगा, रूट 2, जो मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा, रूट 2 आएगा, तो आई कैप प्लस में जी कैप होने में कितना होगा, रूट 2 हो गया, बस कुछ भी नहीं है, बी कैप मालूम है, ए कोस थीटा मालूम है, मल्टीप्लाई कर दो आंसर निकल आएगा, ये कितना आ गया आपका, 7 अपॉन में कितना होगा, रूट 2 हो गया। तो हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है ए कोस थीटा बी कैप, हमें निकालना है ए कोस थीटा, साथ में क्या निकालना है, बी कैप, तो ए कोस थीटा कितना आ गया, 13,
कितना है, 7 बाई कितना है, रूट टू है ना। और बी कैप क्या है, ये बी कैप रहा, बी कैप का वैल्यू क्या है, बी कैप का आपका वैल्यू है आई कैप प्लस में जे कैप अपॉन में क्या होगा रूट टू हो गया, रूट टू इंटू रूट टू कितना आएगा आपका 2 हो गया, यहाँ पर कितना होगा 2 हो गया, तो कितना आएगा 7/2, साथ में कितना आएगा आई कैप प्लस में जे कैप। हाँ जी क्लियर है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, कभी जो क्वेश्चन है हमें वेक्टर ए वाला है, वेक्टर बी वाला है, मुझे वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है बी की डायरेक्शन में, डायरेक्शन बी का होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, तो हम सब जानते हैं हमें क्या निकालना है ए कोस थीटा बी कैप, ए कोस थीटा क्या है, ए का कंपोनेंट है कहाँ बी के अलोंग, और ये बी का डायरेक्शन होगा, ये हम जानते हैं ए टू बी कितना होता है ए बी कोस थीटा, तो ए कोस थीटा कितना आएगा वेक्टर ए टू वेक्टर बी में कितना होगा बी हो गया, ए टू बी निकाल लीजिए, ए कितना होगा 3 हो गया, ए कितना होगा 4 हो गया, बी का मॉडल कितना होगा रूट 2 हो गया, तो ए कोस थीटा कितना आएगा 7/√2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी कैप कैसे निकालते हैं वेक्टर अपॉन एक्स मॉडल्स, तो वेक्टर कितना हो गया आई कैप प्लस जे कैप, मॉडल्स कितना होगा रूट 2 हो गया, ये मालूम है मल्टीप्लाई करो आंसर निकल आएगा, तो आंसर का कितना आएगा 7/√2 इनटू में आई कैप प्लस जे कैप। चलिए एक और मैं कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सही ऐसा ही मैं एक और तुम्हारी करेंगे चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें गिवन है वेक्टर ए, कुछ ले लो कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर ए का वैल्यू मैंने ले लिया कितना हो गया 2i कैप + 3j कैप - k कैप, ये हमें क्या गिवन है वेक्टर ए गिवन है, और वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो गया, वेक्टर बी का वैल्यू आपका हो गया i कैप + 3j कैप + 4k कैप, तो ऊपर वाला वेक्टर ए और नीचे वाला क्या वेक्टर बी है, हमें वही निकालना है, क्या निकालना है हमें ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे, क्या निकालना है ए का कंपोनेंट बोलो चाहे ए का प्रोजेक्शन बोलो बात एक ही है, कुल मिला के हमें इसमें निकालना है ए कोस थीटा, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वही कैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बस बहुत सिंपल है। बताइए ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी होता है ए कोस थीटा इनटू में क्या बी, ये तो हमें निकालना है ए कोस थीटा, बी को नीचे ले आओ तो बी नीचे आ गया। हाँ जी बताइए ए टू बी कितना आएगा, यहाँ से कितना होगा 2 हो गया, यहाँ से कितना होगा 9 हो गया, यहाँ से आपका कितना होगा -4 हो गया, सही है ना, मैंने देखिए ना यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा -4 आएगा, कितना आएगा -4 राइट, इसमें अच्छा इसमें माइनस आई कर रखा है, छोड़िए जॉमिन ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कितना होगा बी का मॉडल्स, हाँ जी बी का मॉडल्स बताइए कितना होगा, बी का जो मॉडल्स होगा कैसे निकालेंगे, पहले हम रूट करेंगे, रूट हो गया एक्स का कोफिशियंट 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 1 आएगा, है ना, वाई का कोफिशियंट क्या 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, जेड का कोफिशियंट क्या 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, कितना हो गया या का होगा √26, बस पुट कर दो कितना हो गया √26, कितना आ गया तो हमारे पास जो ए कोस थीटा आएगा जो हमें निकालना था कितना हो गया 9 + 2 = 11 - 4 = 7, तो आ गया 7/√26, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7/7 में कितना होगा √26 हो गया। ये क्या है, ये ए का पोजीशन है बी के डायरेक्शन में या ए का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ बी, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए अगर आपसे पूछूं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए तो क्या होगा, सिंपल हमें क्या निकालना पड़ेगा बी कोस थीटा, है ना, मेरे कहने का मतलब ये समझ लीजिए ये आपका वेक्टर बी है और ये आपका क्या है वेक्टर ए, मैंने बता मैंने पूछा कि बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालो, तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ से एक पर वैली प्लस ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना आएगा बी कोस थीटा, तो बी का प्रोजेक्शन ए पे कितना होगा बी कोस थीटा होगा, और ए का प्रोजेक्शन बी पे कितना होगा ए कोस थीटा होगा, और ए डॉट बी कितना होता है ए बी कोस थीटा होता है, सिंपल। चलिए वो तो सिंपल में अकेले के चलते हैं, याद रखिएगा जो वर्क होता है ना, वर्क होता है वर्क हमेशा कितना होता है एफ डॉट एस होता है, जो
वर्क हमेशा कितना होता है, एफ डॉट एस होता है। मान लीजिए एफ का वैल्यू में कितना गिवन है, मान लीजिए आपका वैल्यू 50 न्यूटन और एस कितना मान लें, एस बोले डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर और दोनों में एंगल थीटा कितना मान लें 60, क्या वर्क निकाल सकते हैं, सोच नंबर किससे संख्या वेरिएबल होगा। तो डब्ल्यू जो होगा जैसा कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चन है ना, क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चन होगा। एफ का वैल्यू कितना है 50, तो ये कितना होगा 50 हो गया। एस का वैल्यू क्या है 10 हो गया। कोस थीटा कोस 60 कितना 1/2, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 250 जूल हो गया ना। अरे यार एफ डॉट एस कितना आएगा, एफ एस कोस थीटा, एफ का वैल्यू 50, एस का वैल्यू कितना 10, कोस 60 1/2, सॉल्व करेंगे कौन से कितना आएगा 250 जूल आएगा। तो जो वर्क आएगा वो कितना आएगा 250 जूल आएगा, कितना आएगा 250 जूल। और क्या दिक्कत है, ऐसा मान लीजिए कोई बॉडी है उसका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वेक्टर एस वन, क्या है वेक्टर एस वन कितना है बोलो, पूछ लीजिए हमने आई कैप ले लिया प्लस में क्या ले लिया 2j कैप प्लस में क्या ले लिया 3k कैप, इसका हमने फोर्स लगाया कितना लगाया, इसमें हमने फोर्स लगाया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये फोर्स लगाया। और इसका जो नया पोजीशन वेक्टर है ये डिस्प्लेस हुआ तो इसका जो नया पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो गया s2 का वैल्यू कितना हो गया, मान लीजिए 2i कैप हो गया प्लस में कितना हो गया 4j कैप हो गया प्लस में क्या हो गया 5k कैप हो गया, है ना। तो फिर वर्क निकालना है, क्या निकालना है वर्क, पता ही वर्क कितना होता है, वर्क होता है एफ डॉट एस, कितना होता है एफ डॉट एस, तो ही रहा एफ का वैल्यू कितना गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, हाँ जी एस, एस कितना आएगा एस टू माइनस एस वन 2i कैप माइनस i कैप कितना हो गया आपका i कैप हो गया, यहाँ कितना आएगा आपका प्लस 2j कैप आएगा, यहाँ कितना आएगा प्लस 2k कैप आएगा, बस सॉल्व कर लो उसे कैरी कर, कितना होगा 2i डॉट i 1 प्लस में कितना हो गया 6 हो गया, जे डॉट जे भी कितना होगा 1 हो गया, माइनस में कितना होगा 4 हो गया, k कैप डॉट k कैप भी कितना होगा 1 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ का आ गया 4 जूल, वर्क होगा वैसे भी कितना होगा 4 जूल होगा। तो इतना काम करना पड़ेगा हमें इसको यहाँ से आकर डिस्प्लेस करने के लिए, राइट। यस क्या है, जब एस वन क्या है पोजिशन वेक्टर है, एस टू भी क्या है पोजिशन वेक्टर है, जो एस है एस क्या है एस टू माइनस एस वन उसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो ऐसा उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे आप और सिंपल न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप जानते हैं पावर कितना होता है, पावर होता है एफ डॉट वी, कितना होता है एफ डॉट वी, ऐसे मान लीजिए मेरे फोर्स गिवन है कितना गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये मान लीजिए मुझे क्या गिवन है फोर्स गिवन है। और वेलोसिटी कितना गिवन है, मान लीजिए मुझे वेलोसिटी गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये मुझे वेलोसिटी गिवन है, मुझसे पूछा होता है पावर बताओ, सो सिंपल इस वाई करोगा बताइए पावर क्या होता है, पावर जो होता है वो होता है एफ डॉट वी, कितना होता है एफ डॉट वी, हाँ जी बताइए कितना आएगा, कितना हो गया 3 हो गया, आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा 1 आएगा प्लस में क्या होगा 2 हो गया, जे कैप डॉट जे कैप कितना आएगा 1 आएगा प्लस में कितना होगा 4 हो गया, के कैप डॉट के कैप कितना आएगा 1 आएगा तो कितना हो गया 9 कैप आएगा 8, तो पावर जो होगा वो कितना होगा 9 वाट। इसका सा क्या क्वेश्चन होगा, तो ध्यान रखिएगा पावर कितना होता है एफ डॉट वी, कितना होता है एफ डॉट वी जिसका पावर क्या करता पावर का फॉर्मूला आ गया। तो वर्क कितना होता है एफ डॉट एस होता है और पावर बेसिकली कितना होता है एफ डॉट वी होता है। आइए आपको छोटे नुमाइकल लेके चलते हैं, तो ये आपको नुमाइकल गिवन है ये आपको गिवन है, मान लीजिए वेक्टर ए का वैल्यू है, वेक्टर ए का वैल्यू में गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये हमें वेक्टर ए गिवन है। और वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो गया, वेक्टर बी का वैल्यू में गिवन है मान लीजिए आपका कितना हो गया 2i कैप हो गया प्लस अल्फा j कैप हो गया प्लस में कितना हो गया आपका k कैप हो गया। बोलता है कि आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, क्या करना है अल्फा का वैल्यू निकालना है, कब निकालना है
जॉइंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। हाँ जी बताइए कैसे करेंगे, सो सिंपल यार, जो वेक्टर है वेक्टर बी दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कितना आएगा जीरो, ए डॉट बी निकालो उसको जीरो पुट कर दो। हाँ जी ए डॉट बी बोलो बच्चों बोलो कितना आएगा, यहाँ तो कितना होगा टू हो गया, यहाँ कितना होगा माइनस टू अल्फा हो गया, यहाँ कितना होगा प्लस वन हो गया, तो ये कितना होगा जीरो हो गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया थ्री बाई टू, तो जो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा थ्री बाई टू आएगा। राइट, ध्यान रखिएगा अगर मैं दो वेक्टर की बने और बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है जीरो होता है, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आएगा थ्री बाई टू आएगा। ऐसे ही मैं दो जी का दिक्कत है, अरे बहुत ही सिंपल वाली का सर, तो मुश्किल वाली का नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट में इतने मुश्किल वाली का नहीं आते, मुश्किल आपको वहाँ मिलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। तो जैसे मान लीजिए मुझे वेक्टर ए की बने वेक्टर ए का वैल्यू जी बने टू आई कैप हो गया माइनस थ्री जी कैप माइनस के कैप, माइनस थ्री जी कैप हो गया और माइनस क्या हो गया के कैप हो गया, और वेक्टर बी का वैल्यू, वेक्टर बी का वैल्यू आपका सिक्स टू एन सिक्स आई कैप हो गया प्लस में क्या हो गया टू जे कैप हो गया प्लस एन क्या हो गया के कैप हो गया, वेक्टर ए की बने वेक्टर बी की बने। क्वेश्चन वही है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन शो दैट ए एंड बी बोथ आर नॉर्मल टू ईच अदर, ए और बी में एंगल क्या 90 है तो मैं एन का वैल्यू निकालना। हाँ जी कीजिए चलिए सोल्व करो बोलो क्या आंसर आएगा। सिंपली हम क्या निकालेंगे ए डॉट बी निकालेंगे, यहाँ कितना होगा 12 हो गया, यहाँ कितना होगा माइनस सिक्स हो गया, यहाँ कितना होगा माइनस एन हो गया, ये पूरा कितना होगा जीरो हो गया, तो एन का वैल्यू सिंपली कितना आ गया सिक्स आ गया। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी कितना होता है जीरो होता है, कितना होता है जीरो, सो सकता है। तो ध्यान रखिएगा हम स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ करेंगे, मान लीजिए हमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ठीक है, तो क्या निकालेंगे ए डॉट बी निकालेंगे, अगर ए डॉट बी जीरो होगा तो वेक्टर्स कैसे होंगे परपेंडिकुलर होंगे, और मान लीजिए हमें क्या गिवन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है और ऐसे कोई कॉन्स्टेंट है उसका वैल्यू निकालना है तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर मान लीजिए हमें ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है या बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर मान लीजिए हमें दो वेक्टर गिवन है वेक्टर ए गिवन है वेक्टर बी गिवन है उनके बीच में एंगल निकालना है उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो बोले काफ़ी इसका मतलब वर्सेटाइल है। अच्छा एक भाई को रूल ले लीजिए सिंपल सा, हमसे बोला कि वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो है और साथ ही क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी कितना है जीरो, ए डॉट बी कितना है जीरो है और ए डॉट सी भी कितना है जीरो, बताइए बी और सी में एंगल कितना होगा, वेक्टर बी और वेक्टर सी में एंगल का वैल्यू क्या होगा बताइए। हाँ जी बताइए, देखो ए डॉट बी जीरो इसका क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ए डॉट सी भी क्या है जीरो, तो इसका अर्थ क्या हुआ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, वेक्टर ए क्या है बी के भी क्या है नॉर्मल है और सी के भी क्या है नॉर्मल है, क्या होगा वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर सी, है ना, ध्यान रखिएगा वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर सी की क्या होगा पैरेलल होगा, क्या होगा पैरेलल, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर मैं मान लीजिए मुझे कोई वेक्टर गिवन है वेक्टर ए, अगर मैं इसी के साथ इसका क्या लेके चलूंगा डॉट प्रोडक्ट तो कितना आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होता है आपका ए स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, कितना सॉरी स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड नॉट एम्पलीट्यूड, ओके। सो दीस वर द नुमेरिकल्स व्हिच वर बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये क्या थे वो नुमेरिकल्स थे जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पे क्या थे बेस्ड थे। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। अब हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्या कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, राइट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस सी आर ओ डबल एस क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए दो वेक्टर की वैल्यू, मान लीजिए एक वेक्टर की वैल्यू वेक्टर ए और मान लीजिए दूसरा वेक्टर वेक्टर बी,
तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए हो गया और वेक्टर का बी हो गया, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी, क्या आएगा ए क्रॉस बी। ध्यान रखिएगा ये जो ए क्रॉस बी है ना एक नया वेक्टर है, क्या है नया वेक्टर है, इस नए वेक्टर को हमने नाम दिया जेड, क्या नाम दिया जेड, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा ए क्रॉस बी आएगा और वो ए क्रॉस बी एक नए वेक्टर जेड के इक्वल होगा, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, ये आएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, साथ में क्या आएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, साथ में क्या आएगा साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो कितना आएगा ए बी साइन थीटा, राइट। देखो जेड एक वेक्टर है, ये तो जेड का मैग्नीट्यूड निकला है, क्या निकला है मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा एन कैप, ये एन कैप हमें क्या देगा बताइए, एन कैप हमें देगा डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन देगा जेड का, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड, तो ध्यान रखिएगा ए क्रॉस बी जो होता है इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जो ये आपका वेक्टर जेड निकल होगा और विच इज फर्दर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन देम एंड द एन कैप, ये तो क्या है बताइए क्या है, ये आपका ए क्रॉस बी का मॉडुलस है, ऐसे बोलेंगे ये आपका जेड का क्या है मॉडुलस है, तो कितना हो गया यहाँ पर आ गया ए बी साइन थीटा, और एन कैप क्या है एन कैप वेक्टर जेड का क्या डायरेक्शन, राइट। वही ध्यान रखिएगा थीटा जो हो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, ये हमारे पास वेक्टर बी गिवन है, तो थीटा इनके बीच का स्मॉल एंगल, स्केलर प्रोडक्ट जो था वो एक स्केलर क्वांटिटी था, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट ए क्रॉस बी स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। फिर रिपीट कर रहा हूँ जो एन कैप है एन कैप का साथ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर जेड, जेड इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, तो यू कैन से वेक्टर जेड, ध्यान रखिएगा जो वेक्टर जेड होता है ना वेक्टर जेड होता है विच इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ध्यान रखिएगा वेक्टर जेड इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, वेक्टर जो जेड जो है वो ए के भी क्या है परपेंडिकुलर है और बी के भी क्या है परपेंडिकुलर, यू कैन से एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आगे ध्यान रखिए। अच्छा हम बात करेंगे कि वेक्टर जेड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मतलब एन कैप कैसे निकालेंगे, क्या निकालना पड़ेगा हमें एन कैप निकालना पड़ेगा, एन कैप कैसे निकालते हैं देखिए, मान लीजिए ये मुझे वेक्टर ए गिवन है और ये मान लीजिए मुझे वेक्टर बी गिवन है, और वेक्टर जेड जो है वो वेक्टर जेड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल है, ये कितना होगा या करेगा ए क्रॉस बी का मॉडुलस, साथ में क्या आएगा एन कैप, तो हमें तो एन कैप निकालना, क्या निकालना है एन कैप निकालना, अब ध्यान रखिएगा एन कैप कैसे निकालते हैं, एन कैप निकालते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, क्या बोलते हैं इसको राइट हैंड थंब रूल, देखो ये राइट हैंड है ये थंब है तो इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। अच्छा ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी तुम्हारी फिंगर कहाँ से कहाँ जाएंगी, फ्रॉम ए, देखो ये फिंगर है या कि फिंगर है या आपका थंब है, अगर ये सेंस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये सेंस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो ये वेक्टर जेड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एन कैप को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वेक्टर जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मैंने बोला ए क्रॉस बी, तो हमारी फिंगर रोटेट करेंगी कहाँ से कहाँ जाएंगी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ऐसे देखो ध्यान रखना, तो ए क्रॉस बी है तो फिंगर कहाँ से कहाँ जाएंगी, ए टू बी जाएंगी, और बी क्रॉस ए है तो फिंगर कहाँ से कहाँ जाएंगी, बी टू ए जाएंगी, तो यहाँ कहाँ से जाएंगे वैसे है तो ऐसे, तो थंब कहाँ गया बाहर गया, थंब अगर बाहर जाएगा तो यानी कब कहाँ पर है बाहर है, कहाँ पर है बाहर, बाहर तो मैं दिखा नहीं सकता बेसिकली, तो मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जेड, ये वेक्टर जेड का डायरेक्शन है, ये कह सकते दिस इज एन कैप क्या है, राइट। अच्छा बताइए बी क्रॉस ए, अगर मैं इसे पूछूं आपसे ये आपका वेक्टर ए है और मान लीजिए ये आपका वेक्टर बी है, इन दोनों में एंगल थीटा है, मैंने बोला बताओ बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, बोलो क्या होगा,
फिंगर कहाँ से कहा जाएंगी, फिंगर रिप्रेजेंट करेंगे सेंस ऑफ रोटेशन, और ये हमें क्या देगा, एन कैप देगा, मतलब डायरेक्शन देगा बी क्रॉस ए का, तो बी क्रॉस ए है तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगे, बी टू ए, बी कहाँ पर है ये ना, ए कहाँ पर है यहाँ पर, तो फिंगर घूमेंगे ऐसे, अगर फिंगर तुम्हारी ऐसे घूमेंगे तो थम कहाँ गया, अंदर गया, थम अंदर गया तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर होगा, है ना, बी क्रॉस ए का हुआ कि हमारी फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगी, बी से ए की तरफ घूमेंगी, तो ये आपका बी है और ये आपका ए है, तो फिंगर आपके ऐसे घूमेंगी तो आपका जो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है वो इनसाइड द बोर्ड है, ये आउटसाइड द बोर्ड है और ये इनसाइड द बोर्ड है, ये आउटसाइड द बोर्ड है ना, तो अंदर तो मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं इसको ऐसे ही पसंद करूँगा, दिस इज द एन कैप, तो ध्यान रखिएगा जो वेक्टर जेड होता है ना, वेक्टर जेड होता है That is perpendicular to both vector A as well as vector B. जेड जो होगा वो ए के भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, बी के भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इवन प्लस वन में, उससे ज़्यादा प्लस टू में, जैसे प्लस टू में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये क्या है, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई ये चार्ज पार्टिकल मूविंग इन टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी, ये आपको फॉर्मूला गिवन होगा, पूछेगा बताओ एफ और बी में एंगल कितना, देखो कितना होगा 90 होगा, जेड जो है वो ए के भी क्या है नॉर्मल है, बी के भी क्या है नॉर्मल है, तो एफ में और बी में एंगल कितना, अरे 90, एफ में और बी में एंगल कितना 90, तो हम बोलेंगे जो एफ जो है वो बी के भी क्या है नॉर्मल है, और एफ जो है वो बी के भी क्या है नॉर्मल है, अच्छा एफ का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अच्छा मान लीजिए हमें ये क्या गिवन है, ये हमें वी गिवन है, क्या गिवन है वी गिवन है, और मान लीजिए ये हमें क्या गिवन है बी गिवन है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, बोलो एफ का होगा, फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगी, वी टू वी, या का वी है या का वी है, फिंगर ऐसे घूमेंगी, तो एफ का होगा बाहर होगा, बेसिकली क्या आएगा बाहर आएगा, है ना, समझे ना, हमारी फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगे, हमारी फिंगर घूमेंगी वी टू वी, तो वी से वी, तो थम का जाएगा बाहर जाएगा, थम बाहर जाएगा तो आपका जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन आएगा बाहर है, इज़न्ट, ये वाले प्लस टू में काफ़ी यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, कितना होता है डी बी, तो डी बी का वैल्यू कितना होता है, आई इंटू में कितना आएगा डी एल क्रॉस बी अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, ये सारे फॉर्मूले किसमें आएंगे, प्लस टू में आएंगे, और साथ ही साथ क्या आएगा, साथ ही साथ आपका कितना आएगा म्यू नॉट, म्यू नॉट अपन में कितना होगा टू पाई, इसको म्यू नॉट बोलते हैं, म्यू नॉट है ना, ये आप सारा प्लस टू स्टडी करेंगे, बताइए अगर आपसे पूछो बताइए डी डी और डी एल में एंगल कितना 90, डी एल क्रॉस आर, सॉरी डी एल क्रॉस आर होता है, डी बी और डी एल में एंगल कितना 90, डी बी और आर में एंगल कितना 90, है ना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है जो कि वेक्टर जेड की कर रहा है उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, अगर ए क्रॉस बी है तुम्हारी फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगी, ए से बी, ए से बी थंब कहाँ गया भाग गया, तो वेक्टर जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बोले तो एन कैप को रिप्रेजेंट करेगा, और ध्यान रखिएगा वेक्टर जेड जो होता है वो ए के भी क्या है नॉर्मल है और बी के भी क्या है नॉर्मल है, तो ये आपसे मैं पूछेगा आगे क्या पूछेगा, आपको वेक्टर ए गिवन होगा और आपको वेक्टर बी गिवन होगा, आपसे पूछेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, तो मैं एन कैप निकालना होगा, कौन सी बात है, मतलब एन कैप जो हो गया वो कितना हो गया वेक्टर ए हो गया क्रॉस वेक्टर बी हो गया, नीचे का आएगा मॉडुलस आएगा, किसका आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस आएगा, ये हमें निकालना होगा, एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, राइट हैंड थंब रूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट हैंड थंब रूल आपका काफी महत्वपूर्ण है, अगर आपको ये आता है डायरेक्शन निकालना आता है, क्या निकलता है डायरेक्शन निकालना आता है, तो आप सब कुछ कर पाएंगे, मतलब प्लस टू में यदि आपको ये डायरेक्शन निकालना आता है तो आपको किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज क्या होगा बहुत सारे रूल होते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फलाना रूल, झगड़ा रूल, बट अगर ये आपको आता है तो आपको किसी रूल के मतलब लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, सफिशियंट यू कैन से मोर देन सफिशियंट, तो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, वेक्टर प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है ये हम आगे स्टडी करते हैं,
राइट। अच्छा बताइए, क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है, क्या वो बी क्रॉस ए के इक्वल है? इसको क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बताइए क्या वो भी होगा? क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा? अच्छा बताइए, नहीं। क्यों नहीं होगा? अगर अभी तो निकाला, जैसे ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये क्या है? वेक्टर बी है। तो एन कैप कहाँ होगा? एन कैप आपका बाहर होगा ऐसे, राइट। फिंगर कहाँ से बात होगी? ए टू बी, और बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए करेंगे तो ये क्या आएगा? बी आएगा। ये क्या आएगा? ई आएगा। फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगी? बी टू ए। तो एन कैप कहाँ होगा? अंदर होगा, है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन रिवर्स होगा। डायरेक्शन रिवर्स होगा तो ये हो गई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को